हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो TRE1 कैंडिडेट्स हैं यानी BPSC के शिक्षा के द्वारा प्रथम बहाली जो हुआ था फर्स्ट चरण का, उस बहाली के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से क्या निर्देश निकला हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, और उस निर्देश ले कितने कैंडिडेट के अंदर एक भय सा पैदा हो गया है उस भय के बारे में भी बताऊंगा, और उस भय में आपको क्या करना चाहिए, दोबारा डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो और क्या का डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि आप पर किसी प्रकार का कोई संदेह न बने और आपकी नौकरी पर कोई आंच न आए, इस वीडियो में टोटल मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के द्वारा अर्थात माध्यमिक शिक्षा के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें TRE1 कैंडिडेट को अवसर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं, योगदान नहीं कराए हैं या अपना नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं, उन्हें फिर एक बार मौका दिया गया है कि आप योगदान कर लें। आपको 7 दिन का अवसर दिया जा रहा है। एक तरह से बेनिफिट ही है कि जो भी कैंडिडेट, जैसे इसमें बेनिफिट उन लोगों को है जैसे बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया था कि दूर मिलने के क्रम में विद्यालय को योगदान नहीं किया। अब विद्यालय को योगदान नहीं किया था और विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली निकली है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में उन्हें कोई ज्यादा बेनिफिट दिखने वाला नहीं है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से वैसे नियोजित शिक्षकों को जाकर TRE1 का जो अवसर मिल रहा है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो कि विशिष्ट शिक्षक में नहीं मिलकर आपको TRE1 में योगदान करने के से मिल जाएगा। तो वैसे शिक्षकों को भी बेनिफिट है, और वैसे भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने दूसरी नौकरी के लालच में BPSC TRE1 को छोड़ दिया था लेकिन फिलहाल वो पछता रहे थे कि काश मैं ज्वाइन कर लिया होता, तो उन्हें एक अवसर दिया गया है कि आप जाकर ज्वाइन कर सकती हैं। फिर ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें लंबी बीमारी थी जिसके कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, विद्यालय में सर्विंग नहीं कर पाए थे, तो वैसे कैंडिडेट को भी ये अवसर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने दोबारा अवसर दिया है कि अगले 7 दिनों तक अगर किसी भी प्रकार के आपसे दिक्कत हुआ है, आपने नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, विद्यालय में योगदान नहीं लिया है, सूचना नहीं दिया है, तो आप जाकर योगदान करें, सूचना दें, एक अवसर मिला हुआ। अब दूसरी इसमें बड़ी बात क्या हो गई, TRE1 कैंडिडेट जो शिक्षक है उनकी सबसे दूसरी बड़ी बात कही, जो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया होता है इस पर, तो बहुत सारे मेरे साथी ने कमेंट किया था, उसके बारे में मैं इस वीडियो में उत्तर भी दूंगा। देखिए जो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा जिला वाइज हो रहा है, पहले होना था BRC के माध्यम से लेकिन अचानक उसे रोक दिया गया, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से ये जो है दोबारा वेरिफिकेशन होगा जिसमें थंब इम्प्रेशन मस्ट है। अब समस्या बहुत ये आ रही है कि जिसे TRE2 में थंब इम्प्रेशन जो BPSC लिया था बहुत लोगों को मैच नहीं किया हुआ है, जिसके चलते उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत परेशान है। अभी तक ले उनका कोई क्लियरेंस नहीं मिला हुआ है कि उनका क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। वो शिक्षा विभाग दौड़ रहे हैं, अभी तक ले जो TRE1 कैंडिडेट है उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसी प्रकार अगर TRE2 में जो वेरिफिकेशन अभी जिनका थम इम्प्रेशन नहीं मिला है उनका तो रोका दिया गया है, अभी तक ले उनका कोई दिशा निर्देश नहीं निकला हुआ है। अगर उसी स्थिति में TRE1 कैंडिडेट का थम इम्प्रेशन नहीं मिलेगा तो फिर स्थिति में क्या करें। सबसे पहले देखिए दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसे मैं बताता हूं, और फिर मैं बताता हूं कि जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिलेगा तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने DB में दिया जैसे वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट, अब क्या है कि कहीं कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है या BO के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जो वाटर मार्क है वही डॉक्यूमेंट ले, तो ऐसा है कि आप वाटर मार्क वाला ही डॉक्यूमेंट अपना निकाल लें, उसे प्रिंट आउट करा लें। फिर आपके पास टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जितने भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता वाला प्रमाण पत्र है वो आपको फिजिकली लेकर वहां पर जाना है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, तीनों आपके पास जो नियुक्ति पत्र है उन्मुखीकरण जिला स्थापना वाला और लास्ट में योगदान पत्र जो आपको मिला था विद्यालय पदस्थापित के लिए वो, ये तीनों जो है और साथ में एडमिट कार्ड जो BPSC का है, ये चारों आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। BPSC में जो ऑनलाइन किए थे वो जो एग्जाम दिए थे वो वाला एडमिट कार्ड,
और इसके साथ ही जो वाटरमार्क का डॉक्यूमेंट है वो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होने जा रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी में। ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार रख लीजिए। तो थंब इम्प्रेशन है, अगर नहीं मिले तो हम लोग देखिए बीपीएससी का जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उन्हें तीन प्रकार का वहां पर जांच होता है। पहला जांच होता है कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट वहां पर कि पहला होता है कि खड़ा कराकर हमें एडमिट कार्ड के साथ फोटो खींचा जाता है या ऐसे फोटो खींचा जाता है। उसके बाद होता है कि थंब इम्प्रेशन मिला जाता है और तीसरी होती है कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा से निरीक्षण किया जाता है अर्थात ये तीन प्रूफ वहां पर मौजूद रहते हैं। अगर किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता है तो उसे तुरंत दावा करना चाहिए, अगर सही कैंडिडेट है तो उसे तुरंत दावा करना चाहिए कि वहां पर जो फोटो हुआ था, फोटो फ्रेमिंग हुआ था, उस फोटो से मिलान कीजिए। अगर मैं कैंडिडेट नहीं हूं जो कार्रवाई करना ही कीजिएगा, क्योंकि सही कैंडिडेट का दो वेरिफिकेशन हुआ था, वहां पर थंब इम्प्रेशन और फोटो स्कैनिंग हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका थंब इम्प्रेशन मिलने में मुश्किल होगा, ऐसा संदेश टीआरई 21 से ही जताया जा रहा है। मैं ऐसा अनुमान कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है। तो उस स्थिति में आप तुरंत दावा कीजिएगा कि मैं वहां पर मौजूद था और मैंने ही एग्जाम दिया हुआ है और आप वहां के जो फोटो फ्रेमिंग हुआ था उस फोटो फ्रेमिंग से मेरा मिलान कीजिए। उसके बाद इस बात पर अगर जिला शिक्षा अधिकारी नहीं मानता है तो आपको तुरंत एक आवेदन सबमिट करना होगा जिला शिक्षा अधिकारी के पास कि मैं वही कैंडिडेट हूँ, किसी और माध्यम से आप मिलान किया जा सकते, टेक्निकल फॉल्ट के चलते हो सकता है कि मेरा थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, वरना आपको शिक्षा विभाग में जाकर इस बात की सूचना देना होगा या मतलब आवेदन आपको सबमिट करना होगा इस बात के हिदायत। तो टीआरई 1 कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट तैयार रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वैसे कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं वो जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।